अच्छा, इसकी सस्पेंशन के बारे में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वीडियो के थ्रू सस्पेंशन में कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि इसे पिछली सिटी को भी 5 साल रखने का 2016 से अभी 21 तक, तो मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि इसकी सस्पेंशन उससे बहुत बेहतर है। इसमें टायर का ही पार्ट है कि मैंने टायर योकोहामा के डलवाए हैं, लेकिन ओवरऑल भी इसकी जो रोड ग्रिप है, और जो अभी तो ये कार्पेटेड रोड है, मैंने इसको जो सीमेंटेड रोड है उन पे चला के देखा, थोड़े जो बम्प शम्प आ रहे होते हैं उसमें और थोड़े हल्के फुल्के खड्डों में से जो गुजरती है, उसके हिसाब से भी इसकी सस्पेंशन पीछे से बहुत बेहतर है। खासतौर पर जिसने पहले होंडा ड्राइव की उसको इसमें काफी इम्प्रूवमेंट नजर आई, काफी प्रैक्टिकल बनाई है पाकिस्तानी रोड के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से भी, वो मैंने पहले बताया। और ये अब जो है इसकी जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर है, मतलब पहले से काफी बेहतर है। आप कह नहीं कह सकते बहुत ही नरम होगी, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है।